हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। वीवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर पहले आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, थोड़ी देर पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या थी। ओके वीवर्स, और ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी जोडियक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। ओके व्यूअर्स, जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ओके, हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं द मास्टर, रीबर्थ, एग्जॉशन, कंपैरिजन एंड मैच्योरिटी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, आपका पर्सन बहुत कुछ ऐसा करना चाहता है अपनी लाइफ में, जो इस पर्सन के ख्वाब थे ना उन्हें पूरा करते हुए देखना चाहता है ये पर्सन। तो इस पर्सन के जो भी ख्वाब है ना उन्हें पूरा करना चाहता है ये पर्सन, अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है ये पर्सन। काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी ऐसा इस पर्सन को फील होता है जैसे कि ना ये पर्सन काफ़ी मैच्योर भी हैं और इस पर्सन में बहुत समझदारी है। तो ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन समझते हैं और इस पर्सन को ऐसा लगता है जितनी नॉलेज इस पर्सन को है उतनी शायद आपको नहीं है। जितनी दुनिया इस पर्सन ने देखी है उतनी आपने नहीं देखी। आप अभी अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ों से जो आपका समझ पाना अभी मुश्किल है। तो ये पर्सन खुद को थोड़ा सा ज़्यादा समझदार समझते हैं आपसे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतने मैच्योर नहीं हैं, आप इतने समझदार नहीं हैं कि इनकी बातों को समझ सकें, ये जो चाहते हैं ना उसे समझ सकें। तो ये पर्सन बहुत आगे तक की ना सोच लेते हैं। इस पर्सन को आपके साथ में इस रिलेशनशिप को निभाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो वो इस पर्सन का खुद का नेचर है और इस पर्सन को जो ऐसा लगता है ना कि यही सब कुछ है, आप इस पर्सन के सामने कुछ भी नहीं है ना, तो ये चीज़ ही आप दोनों के बीच डिस्टेंस की वजह बन रही है। आप दोनों का रिलेशन ना पास्ट में अगर देखा जाए तो काफ़ी सही था क्योंकि ना ये पर्सन पहले आपको ना ज़्यादा जज नहीं करते थे, ना ही किसी और के साथ में कंपेयर करके देखते थे। अब इस पर्सन ने आपको कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है अदर लोगों से। ये पर्सन इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि हर इंसान के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, हर इंसान के अंदर कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, तो कुछ कमियों और खूबियों के साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। पास्ट में तो इस पर्सन को आपसे कोई शिकायत नहीं थी, इस पर्सन ने आपके साथ में काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा है, अपनी बहुत सारी ऐसी सीक्रेट बातें हैं जो आपसे शेयर भी की हैं। तो इस पर्सन के करीब आपको ना इस पर्सन का ये स्वभाव ले गया था क्योंकि ये पर्सन ज़्यादातर चीज़ों को नहीं हाइड करते थे आपसे, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये रिलेशनशिप बढ़ता चला गया है ना, आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ आती चली गई। इस पर्सन ने पता नहीं क्यों किसी के दबाव में आकर या फिर कुछ ऐसी बात आप दोनों की इस रिलेशनशिप में हुई है कि इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, या फिर मेन वजह वही है कि इस पर्सन ने आपको कंपेयर करना शुरू कर दिया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी मैच्योर हैं, आप इस पर्सन के सामने इमैच्योर बिहेवियर करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और इसी के बारे में थोड़ी देर पहले आपका पर्सन अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहा था कि आप दोनों के बीच जो दूरियां बन रही हैं आपके स्वभाव की वजह से बन रही हैं क्योंकि आप खुद को बदलना नहीं चाहते हैं, आप पहले जैसे थे ना आप वैसे ही रहना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत हद तक बदल गए हैं, इस पर्सन का स्वभाव में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, जैसे कि इस पर्सन ने रीबर्थ लिया हो। अगर ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा डरे डरे सहमे सहमे से रहते थे तो अब इस पर्सन में काफ़ी करेज देखा जा सकता है। इस पर्सन में ना आ रहे उतार चढ़ाव इस पर्सन की ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं जो इस पर्सन को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप वहीं के वहीं हैं, ये पर्सन बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो इस पर्सन को आप में ना कुछ कमियां नज़र आने लगी हैं, इसके बारे में ये पर्सन थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि आप अगर इन कमियों को दूर कर लेना अपने में, थोड़ा सा आप में भी करेज हो, अगर आप भी हिम्मत करें इस पर्सन के साथ में चलने का, अगर आप में एक जज्बा है ना कि आप चाहते हैं कि ये पर्सन आप ही का होकर रहे, तो आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपका पर्सन इन चीज़ों को कर अपने फ्रेंड से बातें करता है और यही वो वजह है कि आप दोनों के बीच ये दूरियां बन रही हैं। और ये बात बात पर जो आपको कंपेयर करते हैं ना अदर पर्सन के साथ में, वो इसीलिए कंपेयर करते हैं ताकि आप उनके जैसे बन जाएं। तो ये पर्सन ना आपको आपके जैसा नहीं बल्कि किसी और की तरह ही बना देना चाहता है। ऐसी ये चीज़ें ना आपको कुछ अच्छी नहीं लग रही हैं, इसीलिए आप भी शायद इस पर्सन से दूरी बना चुके हैं। तो इस पर्सन का स्वभाव देख रहे हैं ना इसी तरह का है और ये पर्सन काफ़ी मैच्योर भी है। तो मैच्योरिटी के साथ ये
पर्सन ना जिन चीज़ों के बारे में सोच रहा है, शायद आप अभी तक ना उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन आपसे क्या चाहता है, और इस पर्सन को ना समझ पाने की ही ये सबसे बड़ी आप जो एक तरह से देखा जाए ना सज़ा कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा है। आपका दिल जो टूट रहा है बार बार इस पर्सन की बिहेवियर की वजह से, इसीलिए टूट रहा है क्योंकि ये पर्सन आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगे हैं, और ये इस पर्सन की जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो ये कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ आपको, यही वो चीज़ है जो आप दोनों के बीच डिस्टेंस ला रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। तो आपका पर्सन अगर आपके साथ में मैरिड है या फिर अनमैरिड भी है ना, तो भी जो भी रिलेशन है आपका एक दूसरे के साथ में, यहाँ पर इस रिश्ते में अगर कुछ कमी आ रही है ना तो कंपेयर करने की वजह से ही आ रही है, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हद तक बदलते जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं हैं, आप बदलना नहीं चाहते हैं, और मेन वजह यही नज़र आ रही है आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट होने की। और अगर आप दोनों के बीच ऑन ऑफ सिचुएशन बनी हुई है ना, तो यही वो मेन वजह है जिसकी वजह से ये सिचुएशन बनी हुई है। तो आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन चल रही है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह का रिश्ता है, क्या आपका पर्सन वाकई में आपसे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगा है, आपसे इस पर्सन को शिकायतें रहने लगी हैं, या फिर ये पर्सन आपको किसी और के साथ में कंपेयर करके देख रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर ना ये थोड़ी देर पहले अपने फैन से जो बातें कर रहे थे वो इसी के बारे में कर रहे थे। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन का तो जैसे कि रीबर्थ हुआ है, इस पर्सन ने तो खुद को बहुत हद तक चेंज कर दिया है, ये अपने सपने पूरे करने के लिए खुद को रेडी कर चुके हैं, और इस पर्सन के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये पर्सन अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि आप इस पर्सन की हेल्प करें इस पर्सन के सपने पूरे करने में। तो शायद यहाँ पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा, आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर इन्वॉल्व हो गया है ना, तो यही वो वजह है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में मिलकर अपने सपनों को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनना चाहता है, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहता है। इस पर्सन को किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं है अपनी ज़िंदगी में, भले ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में कितना भी इंटरफेयर करते रहे हों, आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हों, बट इस पर्सन को किसी का भी इंटरफेयर अपनी ज़िंदगी में पसंद नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा है। और ये पर्सन ना ऐसा भी लगता है कि इस वक्त अगर आपसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं ना, तो ये पर्सन अपने गोल को अचीव करने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सारे कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका पर्सन अपनी लाइफ का अपना खुद का क्रिएटर बनना चाहता है और अपनी ज़िंदगी का मास्टर बनना चाहता है। तो ये पर्सन अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप इस पर्सन की हेल्प करें, और अगर इस पर्सन को आपकी हेल्प नहीं मिल रही है तो ये पर्सन कहीं और से हेल्प तलाश कर रहे हैं, और थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर ये पर्सन स्टक है तो वो इसी वजह से स्टक है, और इसी के बारे में ये पर्सन अपने फैन से थोड़ी देर पहले बातें भी कर रहे थे, उनसे आपके इनके रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे थे, जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें डिस्कस कर रहे थे। ओके व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।